Can you introduce yourself? Yes, we sure, need your sir. Complete introduction. Please. Sure, sir. I am Dharmajka. I am very much similar to my name. I always speak truth. I belong to Gorakhpur, which is famous for the longest railway station. I came first in race during 7th standard. I passed out my 8th standard from AGS International School. My hobby is to play football and read story book. My aim is to become an army officer. My strength are I am self-confident, punctual and creative boy. Okay, wonderful. Now it's the right time to give a short tip to our students. Dekhe dosto, if you are going for Rashtriya Military School interview, chhota sa tip main aapko dena chahunga. यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप एक काम जरूर कीजिए कि आप कोई भी आंसर होगा उसकी स्टार्टअप इंग्लिश में बहुत अच्छे से कीजिए और उसको प्रैक्टिस में लेकर आइए. इतना प्रैक्टिस में लेकर आइए कि आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात कहना सीखे. अगर आप अपनी बात एक्सप्रेशंस के साथ कह रहे हैं, यू कैन पुट अ बेटर इंप्रेशन और आप अपने सक्सेस ज्यादा पा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप एकदम से अपना इंट्रोडक्शन ब्लर्ट करने की जगह अगर आप ऐसा कहते हैं श्योर सर, और फिर आप अपने इंट्रोडक्शन को देते हैं श्योर सर माय नेम इज मनोज शर्मा. यदि आप इस तरीके से कोई भी आंसर देते हैं, पर हर आंसर के लिए आप श्योर सर नहीं लगाएंगे, किसी आंसर के लिए आप श्योर सर, किसी आंसर के लिए आप यस सर, किसी के लिए आप जी सर कह सकते हैं, और किसी के लिए बिना कहे आप जवाब दीजिए. बस ये चीज आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स आर बेटर और लगेगा कि ये एक आर्टिफिशियल आंसरिंग नहीं चल रही है, क्रैमिंग नहीं चल रही है, नेचुरल वे है आपका और आप बेटर इंप्रेशन दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.